हेलो दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का PYQs, और अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन मेरे पास क्या है। तो क्वेश्चन जैसा कि आपका आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या है, व्हाट इज टेम्पलेट, इन विच सिनेरियो यूजिंग टेम्पलेट आर एडवांटेजेस एंड डेमोन्स्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन ये है, टेम्पलेट क्या होता है, किस केस में हम टेम्पलेट का यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसको एक एग्जांपल के हेल्प से बताना है। ओके, तो सबसे पहले टेम्पलेट क्या होता है वो समझते हैं। तो टेम्पलेट मतलब आप क्या समझते हैं, टेम्पलेट मतलब क्या समझते हैं, तो टू परफॉर्म द सिमिलर ऑपरेशन ऑन सेवरल काइंड ऑफ डाटा टाइप, अ प्रोग्रामर नीड नॉट डिफरेंट वर्जन बाई ओवरलोडिंग अ फंक्शन इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्रामर, या जो भी लिखा गया हो वो नहीं समझे होंगे। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको इजी भाषा में टेम्पलेट क्या होता है। तो टेम्पलेट मेरा क्या होता है ना, टेम्पलेट एक तरह का मेरा ब्लू प्रिंट है, ठीक है, एक ब्लू प्रिंट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के केस में उसको हम यूज कर सकते हैं। या अगर फ्लोटिंग आएगा तो फ्लोटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इंटीजर आएगा तो इंटीजर के लिए यूज कर सकते हैं। कोई एक टेम्पलेट हमने बना लिया और उस टेम्पलेट के हेल्प से क्या करें, उसको इंटीजर में भी यूज कर ले रहे हैं, फ्लोटिंग में भी यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर में भी यूज कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, टेम्पलेट, ठीक है। और किस केस में टेम्पलेट का यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो जहाँ पे मेरा क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप पे वर्क होना करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप पे क्या होगा, हम लोग को काम करना पड़ेगा या फिर उसका यूज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, टेम्पलेट का यूज करेंगे। जैसे कि आप पढ़े होंगे क्या, जैसे कि आप मान लेते हैं, हम आपको बोले क्या, दो नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है वो बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने बोला क्या, दो डेसिमल नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है वो बताने के लिए। तीसरा चीज हमने यहाँ आपको बोला, दो कैरेक्टर में सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है वो बताने के लिए। इसके लिए आप क्या करिएगा, इसके लिए आप तीन प्रोग्राम बनाइएगा, एक फ्लोटिंग के लिए, एक इंटीजर के लिए और एक हमारा कैरेक्टर के लिए। तो आप तीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, काम तो मेरा सेम ही है, क्या दो चीज में सबसे बड़ा कौन है वो बताना है। तो वहाँ पे हम तीन प्रोग्राम लिखने के बजाय क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे टेम्पलेट के हेल्प से, और वो उसको क्या करेंगे, इंटीजर के लिए भी काम करवाएंगे, फ्लोटिंग के लिए भी काम करवाएंगे और कैरेक्टर के लिए भी काम करवाएंगे। तो आप तीन प्रोग्राम लिखना चाहेंगे वो बेनिफिशियल रहेगा, या फिर आप एक ही प्रोग्राम लिख के तीनों के लिए काम करवाना चाहेंगे वो बेनिफिशियल रहेगा। तो आपका जवाब क्या होगा, एक प्रोग्राम लिख के हम काम करवा देंगे वही बेनिफिशियल होगा। तो यही हम जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप पे काम करेंगे वहाँ पे हमारा टेम्पलेट यूज करना बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा गया वो आप पढ़ लीजिए, आप समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो क्या है, टू परफॉर्म अ सिमिलर ऑपरेशन ऑन सेवरल काइंड ऑफ डेटा टाइप, टू अ प्रोग्रामर नीड नॉट टू राइट डिफरेंट वर्जन ऑफ ओवरलोडिंग अ फंक्शन, इंस्टेड द प्रोग्रामर कैन राइट अ C++ टेम्पलेट बेस्ड फंक्शन दैट वर्क ऑल द डाटा टाइप। वही जो हमने बोला है वही इंग्लिश में लिखा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पलेट, दो टाइप का टेम्पलेट होता है, पहले C++ में पहला फंक्शन टेम्पलेट और दूसरा क्लास टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट एंड क्लास टेम्पलेट। उसके बाद क्या है, द सिंपल आइडिया इज टू पास द डाटा टाइप एज अ पैरामीटर सो देयर इज नॉट राइट सेम फॉर टू डिफरेंट। वही बात हुआ जो हमने बोला, अगर तीन प्रोग्राम लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको क्या, तीन प्रोग्राम लिखना पड़ जाए, तो एक ही से काम चला लेंगे, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ, तो इतना चीज क्लियर हुआ था। चलिए थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आप इसका एक प्रोग्राम के हेल्प से क्या है टेम्पलेट का कहानी। ओके गाइस, तो चलिए आप समझते हैं क्या है टेम्पलेट का कहानी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या टेम्पलेट वर्क कैसे करता है, टेम्पलेट हमारा वर्क कैसे करता है। तो टेम्पलेट आर एक्सपेंडेड एट रन कंपाइल टाइम, ये क्या होता है, कंपाइल टाइम पे एक्सपेंड हो जाता है। दिस इज लाइक मार्कोस, मार्कोस सब पढ़े होंगे, हैशटैग डिफाइन करके वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं वो सब। द डिफरेंस इज दैट द कंपाइलर डज टाइप चेकिंग बिफोर टेम्पलेट एक्सपेंशन, द आइडिया इज सिंपल सोर्स कोड कंटेंट ओनली फंक्शन क्लास, बट कंपाइल कोड में भी यहाँ पे जो भी लिखा गया है आपको पढ़ना पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे आप जब भी आप टेम्पलेट बनाते होंगे तो टेम्पलेट का जो भी काम होता है ना, वो क्या होता है, जब उसको हम कंपाइल करते हैं ना, तो उसी टाइम में हमारा क्या होता है, कंपाइलर उसको डिटेक्ट कर लेता है जहाँ यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप आने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हमने एक टेम्पलेट बनाया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट बनाया। ओके गाइस, यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या, हम एक टेम्पलेट बनाए, टेम्पलेट बनाने का ये सिंटैक्स होता है वो सभी समझ लीजिए, टेम्पलेट का काम कैसे करता है। हमने ये टेम्पलेट बनाया, तो टेम्पलेट बनाया और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, किसके लिए, इंटीजर के लिए और कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे एक इंटीजर के लिए काम करेगा ये और कैरेक्टर के लिए काम करेगा। तो जब इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे ना, जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ देखिएगा, तो यही इंटीजर के लिए अलग होगा और यहाँ पे कैरेक्टर के लिए अलग होगा।
यहाँ पे लिखा गया क्या, कंपाइलर इंटरनली जनरेट एंड एट बिलो कोड। यहाँ देखिएगा ये इंटीजर के लिए कर देगा और ये कैरेक्टर के लिए कर देगा, कंपाइलर ये काम करेगा, प्रोग्रामर बस इतना ही करेगा, प्रोग्रामर बस इतना ही करेगा क्या, तो उसका जो भी काम करना होगा वो कंपाइलर मेरा करेगा, मेरा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा क्या होता है, टेम्पलेट वर्क करता है। तो यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन में भी क्या है, अगला क्वेश्चन में मेरा फंक्शन टेम्पलेट है, उसके बाद क्लास टेम्पलेट है, तो यहाँ पे वो दोनों हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे बस हमने क्या किया है, बस आइडिया लिया है। अब यहाँ पे हम एक यहाँ पे थोड़ा सा कोड में देख लेते हैं उसको लिखते कैसे है। तो यहाँ पे हम लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले हम टेम्पलेट लिखते हैं और टेम्पलेट लिखने के बाद यहाँ पे वो कर्ली जो मेरा एंगल ब्रैकेट होता है वो देते हैं, उसके बाद यहाँ पे टाइप नेम देते हैं और यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी हमको करना होता है उस टाइप से यहाँ पे लिखते हैं गाइस। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, टेम्पलेट लिखने का तरीका। तो यहाँ पे आपको समझ में आया टेम्पलेट से रिलेटेड कुछ कुछ बातें, तो कुछ कुछ बातें आपको टेम्पलेट से रिलेटेड समझ में आया गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा है फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट। तो गाइस वहीं पे हम क्या करेंगे, फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट को अच्छे से देख लेंगे। तो गाइस आई होप आपको टेम्पलेट का थोड़ा बहुत फंडा क्लियर हुआ होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।